पनागर थाने में होने वाले जुलूस के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं एवं आने वाले त्योहार में चलने वाले इस जुलूस के लिए शांति समिति की बैठक थाने में की गई, जिसमें थाना प्रभारी ने बताया कि इस शांति समिति बैठक में सभी को निर्देश दिए गए कि यह जुलूस शांति भावना से निकलना चाहिए एवं सभी समुदाय के लोगों को बुलाकर शांति भावना से इस जुलूस को निकालने को कहा। नगर में जश्न-ए- ईद मिलादुन्नबी का जो पर्व शनिवार को मनाया जाएगा, उस संदर्भ में आज थाना परिसर में ये शांति समिति की बैठक आहूत हुई थी, जिसमें नगर के तमाम गणमान्य नागरिक और हमारे मुस्लिम समुदाय के भी तमाम सम्मानीय जन उपस्थित हुए, जिनके बीच में उस दिन त्यौहार में जो उत्सव रहेगा वो विशेष तौर से जुलूस का कार्यक्रम रहेगा, जो हमारे नगर में भ्रमण करते हुए वापस वही मौलाना वार्ड में संपन्न होगा। उस विषय में आज विस्तार से चर्चा हुई कि जुलूस मार्ग में तमाम व्यवस्थाएं अच्छी रहें, ताकि हमारे मुस्लिम समुदाय के भी भाई जो है अपना त्यौहार पूरे उल्लास के साथ मना सकें। समस्त मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं और उनसे निवेदन भी करना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक जैसे हर वर्ष निकलता रहे, हम सब उनके साथ मिलकर शांतिपूर्वक जुलूस निकालें और नगर की शोभा बढ़ाएं और हमने ईद मिलादुन्नबी कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये बैठक मुख्यतः 2 तारीख को जो मिलादुन्नबी का त्यौहार है उसके संबंध में बनाई गई है, उसमें जो जुलूस का रूट रहेगा और रूट में कहाँ कहाँ समस्याएँ हैं उसके संबंध में चर्चा हो, उसका जो समय है वो क्या होगा और दो तीन समस्याएँ आई हैं उसमें, रूट में कहीं कहीं कुछ अतिक्रमण है, हल्का फुल्का अस्थायी अतिक्रमण है, वो उसमें हम काम करेंगे नगर पालिका के सहयोग से, कई निर्माण सामग्री देंगे और इस टाइप का प्रस्ताव आया कि जुलूस जब रोड पर होगा तो दोनों तरफ के जो हैवी ट्रैफिक है उसको रोक दिया। इसके अलावा कुछ सामान्य समस्याएं हैं जो ट्रैफिक के संबंध में हैं, मेट्रो डेली तक नहीं जाती है तो उसके संबंध में है, ऑटो वालों की जो प्रॉब्लम है उसके संबंध में चर्चा।